दुनिया को गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जश्न देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य कई देशों में भी देखने को मिला। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के 6 दिन बाद छठी के रूप में भी लोग अलग अलग अंदाज में जश्न मनाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के राणा पार्क सिरसपुर इलाके में देखने को मिली। श्री कृष्ण की छठी के मौके पर राणा पार्क में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की मुख्य परंपराओं में से एक मटकी फोड़ने का भी नज़ारा देखने को मिला। इस कार्यक्रम में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जिन्होंने क्षेत्र की जनता और मटकी फोड़ने वाले गोविंदाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित हुए, जिन्होंने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मुझे खुशी है कि इसका आयोजन में मेरा थोड़ा बहुत सहयोग रहा, इन बच्चों को यहाँ इकट्ठा करने में मेरा सहयोग रहा। निश्चित ही आज बच्चों ने वो करके दिखाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे थे। तो बच्चे आज लगातार अलग अलग टीमें, अलग अलग जगह से टीमें, पूरी बादली विधानसभा से टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, अपनी अपनी कोशिश की है, लेकिन किसी ने हतोत्साहित नहीं हुए। और मुझे खुशी है आज बच्चों की ये टीम ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हुए अभी ये मटकी तोड़ी है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की दही हांडी की विशेष परंपरा का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें हर वर्ग और उम्र के लोगों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। इसके अलावा दही हांडी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि का भी प्रबंध किया गया। इस दही हांडी में पुरुष वर्ग, महिला वर्ग और बच्चों ने भी हिस्सेदारी। दही हांडी के इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान साफ देखा गया कि अलग अलग ग्रुप के लोगों को मटकी फोड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार कई प्रयासों के बाद आखिरकार गोविंदाओं ने मटकी फोड़ी, जिसके बाद लोगों के तालियों की गड़गड़ाहट पूरे कार्यक्रम में गूंज उठी। इस मौके पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ये श्री कृष्ण की लीला है, उनका नाम जहाँ भी जाता है उसका नज़ारा ही कुछ और हो जाता है। इसके साथ ही देवेंद्र यादव ने मटकी फोड़ने वाले ग्रुप की टीम भावना की भी सराहना की। ये भगवान की लीला है, श्री कृष्ण तो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ लीला ही करते हैं, और ऐसी लीला आज यहाँ राणा पार्क में हो रही है। मुझे खुशी है बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत उत्साह, बहुत प्यार है, उत्साह है, और एक दूसरे की जो टीम भावना मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वो अक्सर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरीके की टीम भावना यहाँ पर देखने को मिली है, अद्भुत। इस तरीके का आयोजन हम पहले भी करते रहे हैं, चाहे वो खेल कूद के हों, चाहे बच्चों के प्रोत्साहन के प्रोग्राम हो, या बच्चियों की शादियों की बात हो, लेकिन मुझे निश्चित ही जो नशा, जो जुनून, जो बच्चों में उत्साह यहाँ देखने को मिला, निश्चित ही ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे, साल दर साल इसी तरीके से करेंगे। गौरतलब है कि इस बार बीते 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण यानी कि छठी का कार्यक्रम भी किया जाता है, और दिल्ली के राणा पार्क सिरसपुर में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। इस जश्न को और यादगार बनाने के लिए मटकी फोड़ने के साथ ही कई अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी देखने को मिली। सर बहुत खुशी है हम लोगों को, यहाँ पर पहली बार आए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसे करने में, और हमारी पूरी टीम ने जी जान लगा दी इसे करने में। टीम ने अपना टीम वर्क दिखाया है यहाँ ग्राउंड में, प्रैक्टिस हालांकि नहीं थी क्योंकि एक दिन पहले ही पता चला था, लेकिन एक टीम वर्क हमने यहाँ शो किया है कि टीम कैसे परफॉर्म कर लेती है, अगर टीम साथ हो तो सब हो जाता है। पहली बार ऐसा आयोजन हुआ होगा, क्या कहेंगे, हर साल होना चाहिए? हर